यूपी के बहराइच में आदमपुर का आतंक, रात भर निगरानी में जुटी रही वन विभाग की टीम, चप्पे चप्पे की निगरानी करती दिखी थी। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए की तलाश जारी, वन विभाग के जनरल मैनेजर ने दी जानकारी, कहा भेड़िए को किया जा रहा है ट्रैक, ड्रोन के जरिए चप्पे चप्पे पर नजर। साइज की है उसमें तो नहीं कहीं दिखा, जो भी मतलब जो ड्रोन वगैरह उड़ा के देखेगा, तो फिलहाल प्रतीक्षा है, कहीं ना कहीं जो है मिलेगा। बहराइच में भेड़िए से बचाव के लिए चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान, लोगों को लाउडस्पीकर के जरिए किया जा रहा है जागरूक। यूपी के बहराइच में लंगड़ा भेड़िया रिपब्लिक भारत के कैमरे में हुआ कैद, सफेद प्लेट में खाया खाना, सिसैया चुड़ामनी गांव के आसपास हुआ कैमरे में कैद। रिपब्लिक भारत कई दिनों से कर रहा है लंगड़ा भेड़िए की खोज। बहराइच और सीतापुर के बाद अब बाराबंकी में भेड़िए की दहशत, एक बच्ची और युवक पर किया हमला, हमले में बच्ची गंभीर रूप से घायल। यूपी के सीतापुर में भेड़िए का आतंक जारी, आदमखोर ने एक मवेशी पर हमला किया, कैमरे में कैद हुआ भेड़िया, गांव में दहशत का माहौल। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, जिले की दो अलग अलग जगहों से 13 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक 7 नक्सलियों को गंगालूर जबकि 6 नक्सलियों को तर्रेम पुलिस थाना से गिरफ्तार किया गया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मुठभेड़ के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा, बीते दिनों संदिग्ध आतंकवादी और सुरक्षा बलों के बीच हुई थी मुठभेड़। यूपी के गाजियाबाद में सरकारी गाड़ी में स्टंट करता नजर आया युवक, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। मध्य प्रदेश के कटनी में जेसीबी चालक की दबंगई आई सामने, जेसीबी से युवक को दबाकर मारने की कोशिश, वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, दो जगह हुई मुठभेड़ में 3 बदमाशों की गिरफ्तारी हुई, तमंचा कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद हुई। एमपी के नीमच में सड़कों पर रेंगकर डीएम ऑफिस पहुंचा शख्स, गले से बंधे थे, शिकायती पत्र लगा रहा था न्याय की गुहार, वीडियो हुआ वायरल। दिल्ली के मालवीय नगर में फायरिंग की घटना, 3 से 4 बदमाशों ने एक युवक पर की फायरिंग, घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुंबई के मलाड़ में दिखा रफ्तार का कहर, कार ने महिला को मारी टक्कर, हादसे में एक की मौत। पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड की लाइव तस्वीरें आई सामने, चंद सेकंड में दर गया पूरा पहाड़, सड़क पर आया मलबा। मुरादाबाद में धार्मिक स्थल के अंदर मारपीट, आपसी विवाद के बाद मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। यूपी के एटा में मामूली विवाद को लेकर दबंगों ने बुजुर्ग को लाठी डंडों से पीटा, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के एटा में 4 युवकों का तमंचा लहराने वाला वीडियो सोशल मीडिया में वायरल, फिल्मी गानों पर तमंचा लेकर नाच रहे हैं बेखौफ युवक, जलेसर का बताया जा रहा वायरल वीडियो। उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है, मुठभेड़ में गैंगस्टर के पैर पर गोली लगी है, बदमाश के पास से चोरी का सामान भी बरामद किया है। ढूंढने के बाद सिंगापुर दौरे पर पीएम मोदी, सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शान मुगरतन, प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के और दूसरे नेताओं से करेंगे मुलाकात। त्रिपुरा के उग्रवादी समूहों से आज समझौता है, त्रिपुरा सरकार और एनएलएफटी एटीटीएफ के बीच अमित शाह की मौजूदगी में होगा समझौता। दिल्ली एमसीडी में 12 वार्ड समितियों के आज होंगे चुनाव, एलजी ने पीठासीन अधिकारी नियुक्त किए, मेयर ने नियुक्ति से इनकार कर दिया था। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी की होगी अहम बैठक, बीजेपी की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर हो सकती है चर्चा। तेलवी में बंधकों की तत्काल रिहाई को लेकर बड़ी संख्या में लोगों ने किया प्रदर्शन, मौके पर पुलिसकर्मियों के साथ प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प भी हुई है। इटली के सैन सवेरो में बवंडर आया है, तूफान की ताजा तस्वीरें सामने आई हैं, लोगों से घरों में रहने की अपील भी की गई है। कैलिफोर्निया के जंगल में आग का तांडव, आग की चपेट में आ रहे आसपास के इलाके, इलाके में छाया धुएं का गुबार। कांगो की राजधानी में 2 कैदियों की मौत हो गई, गोलीबारी में हुई मौत, सबसे बड़ी जेल तोड़कर भागने की कोशिश की थी।
ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में समुद्र में नाव से दो लोगों का रेस्क्यू, मैकेनिकल खराबी के चलते नाव में भर गया था पानी। चीन ने लॉन्च किया नया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ग्रुप, लॉन्च मार्च 4B वाहक रॉकेट लॉन्च किया है। नक्षत्रों की नई तकनीकों का परीक्षण करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेते हैं आदमखोर के आतंकी, क्योंकि आतंक जो है आदमखोरों का लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और यही वजह है कि लोग अभी भी खौफ में हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि एक के बाद एक हमले की जानकारी सामने आ रही है। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अब एक्शन मोड में आ चुके हैं, लगातार समीक्षा बैठक और साफ तौर पर निर्देश दे दिए गए हैं कि पहले पकड़ने की कोशिश इन आदमखोरों की होनी चाहिए, अगर पकड़ में नहीं आते हैं तो गोली मार दिया जाए। ये तस्वीर आपको देख रहे हैं रिपब्लिक भारत के कैमरे पर, लंगड़ा भेड़िया कैद हुआ है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि बहराइच के लिए खौफ का दूसरा नाम बन चुके हैं आदमखोर भेड़िया और अब जो है इन्हें पकड़ने के लिए भी तमाम कोशिशें जो जारी है वो भी फेल होती हुई नजर आ रही है। एक्सपर्ट के साथ अब करीब 500 लोगों की टीम महीनों से डेरा जमाई हुए हैं। वो आदमखोर लंगड़ा भेड़िया कल रात रिपब्लिक भारत के कैमरे पर कैद हुआ। रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर आधी रात जब बहराइच गांव के पास कैमरा लेकर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए नजर आए तो उस दौरान लंगड़ा भेड़िया जो कैमरे में कैद हो गया शिकार की तलाश में भटकता हुआ नजर आया। आप इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, यही है वो आदमखोर लंगड़ा भेड़िया जो पिछले कई महीनों से बहराइच के लिए आतंक का प्राय बन चुका है। बीती रात रिपब्लिक भारत के कैमरे पर आदमखोर भेड़िया दिखा तो वन विभाग की टीम एक बार फिर से एक्टिव हो गई है, लेकिन ये लंगड़ा भेड़िया इतना शातिर है कि पल भर में सबको चकमा देकर फरार हो गया है। पुलिस, वन विभाग की टीम, एक्सपर्ट की सारी तैयारी इस भेड़िये ने फेल कर दी है। सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त ये लंगड़ा भेड़िया सबके लिए बना हुआ है, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा है। तो देखिए आदमखोर भेड़िया का आतंक देखिए बहराइच, सीतापुर के अलावा और दूसरे जगहों पर भी देखने को मिल रहा है और इसे लेकर हाई लेवल मीटिंग भी चल रही है। मीटिंग में तय किया जा रहा है कि कैसे इन पर एक्शन लिया जाए। योगी खुद एक्शन में है और साफ कर दिया है कि अगर ये ट्रैंकुलाइज नहीं होते हैं, बेहोश नहीं होते हैं तो इनको गोली मार दिया जाए। 11 जिलों के अफसरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई है, बैठक की गई और निर्णय लिया गया। वन विभाग के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद थे। बहराइच, लखीमपुर खीरी, मुरादा बाद के डीएम इस बैठक में जुड़े हुए थे। इसके अलावा पीलीभीत, श्रावस्ती, हापुड़, सीतापुर के डीएम भी इस बैठक में मौजूद थे, जिसमें तय हुआ कि आखिर अगर इनको ट्रैंकुलाइज नहीं किया गया तो फिर इनको गोली भी मारी जा सकती है, क्योंकि भेड़िए आदमखोर हो गए हैं और अब लोगों की जान भी ले रहे हैं। 10 लोगों की मौत हो गई है, 9 बच्चों के साथ 10 लोगों की जान इन भेड़ियों ने ली है और आदमखोर भेड़िए अब कहीं ना कहीं और शिकार की तलाश कर रहे हैं। लगातार एक्शन मोड में अब योगी सरकार भी है और अब सख्त एक्शन लेने की तैयारी कर ली गई, गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। अगली खबर क्या बताएंगे आपको शिखा? तो देखिए किस तरीके से आदमखोर भेड़ियों की तलाश की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात वो सरदार यानी कि गैंग ऑफ वुल्फ का लंगड़ा सरदार जिसकी तलाश लगातार जारी है। आपको बता दें कि लेकिन रिपब्लिक भारत के कैमरे में ये लंगड़ा भेड़िया कैद हो गया। सवाल यही उठता है कि क्या ये लंगड़ा भेड़िया जो था वो अपने शिकार की तलाश में निकला था उस वक्त, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी के 50 गांव में इन दिनों जब भी बच्चा रोता है तो माँ कहती है सो जा बेटा नहीं तो भेड़िया आ जाएगा। जी हाँ, ये डायलॉग भले ही